देखो, अगर आपका 15,000 रुपए का बजट है, आई नो आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि मोटो G64 लिया जाए कि यार सैमसंग F15 लिया जाए। काफी सारे लोग इस चीजों को सर्च कर रहे हैं, तो चलो आज के वीडियो में आपको फुल टू यहाँ पे कंफ्यूजन जो है क्लियर करता हूं ना कि आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा यहाँ पे निकल के आता है, चाहे बैटरी हो चाहे परफॉर्मेंस हो, ओवरऑल आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सबसे पहले यार बॉक्स कंटेंट में एक चीज तो मैं आपको क्लियर कट कर सकता हूं कि मोटरोला बॉक्स में कवर भी देता है भाई, चार्जर भी देता है, जहां पे सैमसंग सिर्फ आपको फोन देता है, एक पिन भी दे देगा, एक आपको केबल दे देगा, दैट्स इट। आपको यार यहां पे कवर वगैरह अलग से बाय करना पड़ेगा, इवन आपको जो चार्जर है अलग से बाय करना पड़ेगा, तो उसका 1,000 रुपए और ऐड आप कर दीजिएगा तो थोड़ा एक्सपेंसिव और हो जाता है ये मोटोरोला के कंपैरिजन में, तो वो चीज जरूर से ध्यान रखना। दूसरी चीज यार बिल्ड और डिजाइन यहां पर सबसे पहले बात करते हैं। देखो बैक से दिखने में भाई दोनों ही सेक्सी लग रहे हैं, मतलब बैक से थोड़ा सा दोनों में ऐसा फिनिश आता है ना, बैक से ग्लास मटेरियल यूज करा गया हो, हालांकि यहां पर मोटो एक्रेलिक ग्लास फिनिश को यूज करता है, जहां पे यार सैमसंग की जो है नॉर्मल ग्लास फिनिश है, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस के साथ साथ जो स्क्रैचेस है काफी इजीली आ जाएंगे। वैसे बैक से दिखने में कौन सा ज्यादा आपको बेटर लग रहा है ये तो आप यार अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एक चीज में आपकी मदद मैं भरपूर मात्रा में कर सकता हूं कि यार सैमसंग बहुत ही ज्यादा हैवी है। मतलब यार जब इसको फर्स्ट टाइम हाथ में लिया था ना, तो ऐसा लग रहा था भाई पत्थर ले लिया है, क्योंकि 217 ग्राम का वेट है, और ये इसकी थिकनेस में भी दिखता है, इसकी हैवीनेस में भी दिखता है, जहां पे यार मोटोरोला के अंदर 197 ग्राम का वेट है, जबकि दोनों की बैटरी भाई बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है। तो इस जगह पे यार थोड़ा मैं कहूंगा कि मोटोरोला ने बड़ा ही बेहतरीन वाला काम करा है, और मोटो के बैक में यार मैट फिनिश है, तो फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस आपको नहीं विजिबल होंगे, तो उस जगह पे यार मोटोरोला अच्छा काम कर देता है। वैसे आपको क्या लगता है कौन सा बैक में ज्यादा दमदार है, जरूर से यार कमेंट सेक्शन में बताना। जा रहे हो तो यार लाइक वाला बटन भी दिखेगा उसको जरूर से दबाना है, सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, तो यार वो भी फटाफट कर देना, क्योंकि यार फटाफट आपको बताता हूं कि यार स्पीकर किसमें बेस्ट मिलता है। मोटोरोला आपको देता है यार डुअल स्पीकर, जहां पे सैमसंग आपको सिंगल स्पीकर देता है, और ये क्लियर कट मैं आपको कह सकता हूं कि मोटोरोला का काफी लाउड होता है, काफी बेसियर यहां पे म्यूजिक निकालता है, इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। यार दोनों में ही आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट वैसे मिल जाता है, इवन दोनों में 3.5 mm जैक का गड्ढा मिल जाएगा, तो हेडफोन लगा के यार दोनों में आप एंजॉय कर सकते हो म्यूजिक को। साथ ही साथ वैसे दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और यहां पे देखोगे थोड़ा सा क्विकली मैंने देखा है मोटोरोला लॉन्च होता है, कुछ चीज मैंने नोटिस करी कि यार सैमसंग कभी कभी फिंगरप्रिंट सेंसर को ना डिटेक्ट नहीं करता, तो आई थिंक इधर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जब बात आती है भाई परफॉर्मेंस की, क्या तगड़ी वाली चीज मोटोरोला ने करके रखी है। दोनों में देखो वैसे मीडियाटेक का प्रोसेसर है, जहां पे यार मोटोरोला में डायमेंसिटी 7025 मिलता है, आपको सैमसंग में डायमेंसिटी का 6100 प्लस वाला चिपसेट मिलेगा, दोनों 6 nm बेस्ड है। लेकिन ऑन पेपर आप स्कोर देखिए, जहां पे यार मोटो क्या बेहतरीन एंटूटू स्कोर करता है, सीपीयू थ्रॉटलिंग में भी, गीकबेंच में भी देखोगे, इवन देखो दोनों में स्टोरेज UFS 2.2 की है, लेकिन तब भी मोटो में आपको ज्यादा बेटर स्कोर मिल जाएंगे। अब यही चीज आपको मैं डे टू डे यूज में दिखाऊंगा ना। देखो आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखाने के लिए यार यहां पे स्पीड टेस्ट दिखाता हूं, ये है मोटोरोला, ये है सैमसंग, जो दोनों में ये एप्लीकेशन सब रख लिए हैं, बैकग्राउंड से सभी एप्लीकेशन रिमूव कर लिए हैं, दोनों को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करा है। सबसे पहले देखो यार प्ले स्टोर ओपन करते हैं, यहां देखो कितना क्विकली लॉन्च हुआ भाई, कितना क्विकली। YouTube देखते हैं जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी देखो भाई मोटोरोला क्या फास्ट लॉन्च हुआ है। देखते हैं Amazon यहाँ पे कौन जल्दी फास्ट ओपन कर पाता है, और यहाँ पे देखो मोटोरोला आ गया, फिर से आ गया, यहाँ पे अभी लोड कर रहा है, ठीक है चलो। अच्छा Flipkart देख लेते हैं कौन फास्ट ओपन करता है, अगेन मोटो यहाँ पे आगे चला जाता है। लेट्स सी यार Instagram देखते हैं यहाँ पे, ओके Instagram भी इंस्टेंटली यहाँ पे आप देखोगे मोटो ने फिर से लॉन्च कर लिया है। देखते हैं हमारे एक्स को कौन जल्दी लॉन्च कर पाता है, और यहाँ पे भी देखो मोटो ने यार इंस्टेंटली यहाँ पे ओपन कर दिया है। एक थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन जियो सिनेमा को लेट्स सी ट्राई आउट करते हैं कौन फास्टर लॉन्च करता है। यहाँ पे भी देखो मोटो यार क्लियरली यार सारे एप्लीकेशन में मोटो आगे गया है। यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन भी लॉन्च करते हैं, इधर भी देखो मोटो आगे चला गया है, तो यहाँ पे भी आप क्लियर कट देख सकते हो कि भाई मोटोरोला डे टू डे यूज के अंदर भी काफी फास्टर निकल के आता है, काफी क्विकली ऐप को लॉन्च कर देता है। वैसे दोनों के अंदर एनिमेशन वगैरह मिलते हैं, और मैंने देखा है एनिमेशन के साथ भी मोटोरोला स्मूदर चलता हुआ मिलता है। सैमसंग के साथ यार ये थोड़ा दिन में ही चल चल के ना एकदम अटकने लगता है, एकदम स्मूदर परफॉर्मेंस इसके अंदर नहीं है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होगी इवन अगर आप हैवी यूजर्स में जाते हो। BGMI लॉन्च करके देखते हैं, दोनों को एक साथ दबा दिया है, देख लो भाई BGMI कौन फटाफट यहां पे लॉन्च कर पाता है। एनिमेशन वगैरह से तो लग रहा है कि यहाँ पे मोटो आगे चला जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स सी यार एक बार जल्दी से काउंट करो और कमेंट करके बता दो कौन आपको लगता है फटाफट जल्दी से लॉन्च करने वाला है। आई थिंक यहाँ पे यार क्लियर विनर है। देखो यार यहाँ पे डाउनलोडिंग भी एक आने लगी, एक अपडेट भी यहाँ पे ये पेज वाला डाउनलोड करने लगा। अरे हो गया भाई, ये लॉन्च हो गया। यहाँ पे आप देखो सैमसंग का आप हाल यहाँ पे देख सकते हो। ये क्लियरली है थोड़ा सा यार डे टू डे यूज में भी आपको बहुत बड़ा वाला डिफरेंस मिलेगा। बाकी उसके अलावा अगर आप हैवी एडिटिंग वगैरह भी करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर भी, तो ये है मोटोरोला, ये सैमसंग है, दोनों में सेम फाइल मैंने सेट करके रखी है, दोनों में सेम MB देख सकते हो, सेव एज वीडियो, दोनों में फटाफट करते हैं। लेट्स सी कौन यहाँ पे फास्टर कर पाता है। 1 2 3 गो।
और यहाँ पे भी आई थिंक आप क्लियर नोटिस कर सकते हो कि मोटू ने काफी जल्दी यहाँ पे यार जो रेंडरिंग वाला टास्क है यानी एडिटिंग वगैरह वाला टास्क है उसमें आगे निकल जाता है और यहाँ पे यार इजिली कर लेता है, जहाँ पे सैमसंग अभी देखोगे काफी पीछे है। और इजिली मैं कह सकता हूँ कि यार मोटू की जो परफॉर्मेंस है तगड़ी आपको मिलती है। वैसे एक चीज और मैं बताऊँ, अगर आप गेमिंग करने का सोच रहे हो तो दोनों के अंदर BGMI मैंने देखा है अल्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिलती है, लेकिन यार सैमसंग के अंदर जब मैंने गेमिंग करी ना काफी अटक के यहाँ पे गेमिंग हो रही थी, जहाँ पे मोटोरोला काफी कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से अल्ट्रा सेटिंग के अंदर भी गेमिंग करा दे रहा था। तो आई थिंक यार अगर आप गेमिंग भी थोड़ी ज्यादा करना चाहते हो तो सैमसंग से मच बेटर यहाँ पे मोटोरोला करा देता है। तो यार परफॉर्मेंस तो जरूर से मैं कहूंगा मोटो 10 आउट ऑफ 10 वाला मार्क्स यहां पे लेके जाता है। वैसे अगर आप UI की बात करोगे तो 4+5 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस है, मोटोरोला 1+3 इयर्स का देता है, लेकिन यार 4 साल ये चलेगा कैसे सैमसंग का फोन मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी यार इसी साल में यार ये अटक चुका है इतना ज्यादा। वैसे दोनों में एंड्रॉइड 14 आपको यहां पे मिल जाता है, दोनों में अगर आप देखोगे थोड़े मोड़े ब्लोटवेयर आते हैं, मोटो में से ज्यादा आपको सैमसंग के अंदर यहां पे ब्लोटवेयर मिलते हैं। वैसे दोनों में से सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। UI वाइज बात रही तो यार देखो मोटो आपको स्टॉकिश वाली UI देता है, जहां पे सैमसंग थोड़ी वन UI वाली आपको अलग सा टच यहां पे देगा। दोनों फीचर्स वगैरह आपको एक मात्र मिल जाएंगे, यानी अगर आपको ऐप को हाइड करना है, ऐप को लॉक करना है, दोनों में ही कर सकते हो। इवन इतना मैं कहूंगा यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आप मोटो में कर सकते हो, सैमसंग में आपको नहीं मिलती है। तो अच्छी चीज यहां पे थोड़ी यार मोटो की UI के अंदर आपको निकलते आती हुई मिलेगी। वैसे सैमसंग के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से कर सकते हो, जहां पे यार मोटो में गूगल डायलर मिलता है, तो थोड़ा सा एक वो पॉइंट आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, जो 5G कनेक्टिविटी है, सैमसंग में 13 5G बैंड मिलते हैं, 14 5G बैंड मोटोरोला में मिलेंगे। और मैंने देखा यार मोटोरोला थोड़ा बेटर यहां पे स्पीड वगैरह दे रहा था एज कंपेयर टू सैमसंग, और थोड़ी कॉन्स्टेंट 5G यहां पे निकल के आ रही थी, तो इधर भी थोड़ी सी अच्छी चीज मुझे लगी है। वैसे देखो दोनों में ही 6000 mAh बैटरी मिल जाती है और दोनों का बैटरी बैकअप तगड़ा निकल के आया है, लेकिन जो चार्जिंग वाली सिचुएशन है वहां पे यार मोटो काफी बेटर रहता है। 33 W की चार्जिंग इन द बॉक्स चार्जर भी आपको मिल जाता है, 1 घंटा 45 मिनट के अराउंड लगता है इसको फुल चार्ज होने में। सैमसंग भाई इन द बॉक्स आपको चार्जर नहीं देगा और वो सिर्फ 25 W की भी चार्जिंग देता है, और इसको अराउंड 2 घंटा लग जाता है फुल चार्ज होने में। तो यार इधर स्लोअर साइड में आपको ये जरूर से फील होगा। वैसे जहां डिस्प्ले की बात रही तो यार आपको मोटोरोला 120Hz की IPS LCD पैनल के साथ आता है, जहां पे यार सैमसंग आपको 90Hz की S AMOLED के साथ यहां पे आएगा। बेजल्स वगैरह वाली अगर सिचुएशन देखोगे तो यार मोटो में काफी साइड वाले बेजल्स पतले यहां पे आपको मिलते हैं, इवन सैमसंग के अंदर आपको नॉच मिलता है, मोटो में पंच होल वाली डिस्प्ले यहां पे मिलेगी, तो ये थोड़ी सी चीज बेटर आपको मोटो में मिलती है। इवन अगर आप हायर क्वालिटी में कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हो तो यार मोटो 4K HDR का भी आपको यहां पे सपोर्ट देता है, सैमसंग सिर्फ 2K तक का आपको यहां पे सपोर्ट देगा, तो वो हायर क्वालिटी में आप कंटेंट को मोटोरोला के अंदर एंजॉय कर पाओगे। वाइड बैंड L1 का दोनों में ही सपोर्ट मिलता है। कलर्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स दोनों के कलर बेहतरीन निकल के आते हैं, सैमसंग AMOLED की वजह से थोड़े से बेटर डीप ब्लैक्स वगैरह देता है, लेकिन जो कंटेंट है दोनों में आप इजीली एंजॉय कर पाओगे। वैसे यार आउटडोर में भी दोनों ही एकदम अच्छी तरीके से विजिबल हो जाते हैं, हां थोड़ा सा बेटर आपको यहां पे सैमसंग रहेगा, लेकिन यार नॉच वगैरह के साथ काफी पुरानी वाली फील देता है कसम से, मैं इतना बताऊंगा। लेकिन हां 120Hz और 90Hz का यहां पे डिफरेंस देख सकते हो, क्या स्मूदर आपको देखने को मिलता है 120Hz 90Hz के कंपैरिजन में जो सैमसंग में आपको मिलती है। तो रिफ्रेश रेट में भी यार मोटो तो यहां पे आगे निकल के आता है। वहीं पे यार मोटोरोला के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन और IP52 की वाटर रेजिस्टेंट वाली रेटिंग भी मिल जाती है, लेकिन जब बात आती है भाई कैमरास की, तगड़ा वाला कैमरा दोनों के अंदर निकल के आता है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, मोटोरोला के अंदर 50 MP का OIS के साथ मेन सेंसर मिलता है, जहां पे सैमसंग में OIS नहीं मिलता है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड आपको मोटो में मिलता है, जहां पे सिर्फ 5 MP का आपको सैमसंग में मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा मोटो में 16 MP का है, सैमसंग में सिर्फ 13 MP का मिलेगा। अब देखो यार ये बात रही बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की, मोटो में आप 1080p 60fps तक जा सकते हो, सैमसंग 1080p 30fps तक ही लिमिटेड मिलता है। पकड़ो पतंग गई पतंग फंस गई। अरे आप पतंग को जाने दो। ऑलराइट गाइस इधर आ जाओ, तो यहां पे हम देख लेते हैं, ये है कंपैरिजन वीडियो रिकॉर्डिंग का। सबसे पहले बता दूं मोटो है 1080p 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और ये सैमसंग वाला 1080p 30fps पे ही स्टक हो जाता है, और मोटो में OIS भी मिलता है। सबसे पहले OIS देखते हैं, आ जाओ। अरे हमारा कैमरा फटाफट। और यहाँ पे भी यार OIS आपको देखने को मिलेगा कि स्टेबल वीडियो मोटो में ज्यादा बेटर तरीके से निकल के आती है, इवन हायर क्वालिटी में आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह को निकाल सकते हो, वो आपको सैमसंग में सपोर्ट नहीं मिलता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा वैसे दोनों में 1080p 30fps तक लिमिटेड रहेगा। और ये आप देख सकते हो फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग किसमें बेटर लग रही है, जरूर से यार कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले आप लाइटिंग देख लो, किस तरीके से एक्सपोजर वगैरह यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, कैसी लग रही है जरूर से बताना, एंड ऑडियो क्वालिटी आपको किस तरीके से आ रही है ये भी यार जरूर से कमेंट करके बताना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको वॉक करके भी दिखाता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे जो कंपैरिजन है
सैमसंग वर्सेस मोटो में आपको देखने को मिल रहा है। देखो फ्रंट सेल्फी कैमरा ना दोनों ने ठीक ठाक सब वर्क करा है, लेकिन जब बात आती है यार सेकेंडरी कैमरा की यानी अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो यार यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखा सकता हूँ। 8 मेगापिक्सल यहाँ पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ मिलेगा आपको, ये 5 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर डिटेल्स मिल जाएगी, अच्छे से कलर मेंटेन आपको होता हुआ मिल जाएगा। इवन अगर आप देखोगे जो HDR कंट्रोल है वो भी यहाँ पे आपको मोटो में काफी बेटर मिल जाता है, तो 8 मेगापिक्सल यहाँ पे यार अच्छा परफॉर्म करता हुआ मिलता है मोटोरोला के अंदर। लेकिन जब मेन सेंसर की बात आती है भाई तगड़ी वाली चीजें हैं। देखो कलर्स वगैरह का आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, जहां पे मोटो ना आपको वो जो इंस्टाग्राम रेडी यानी सोशल मीडिया रेडी वाली पिक्चर्स वगैरह को क्लिक करता है, जहां पे यार सैमसंग है थोड़ी ट्यून को जो रियल टू लाइफ वाली है उसमें रखने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों के अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह देखोगे तो डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे देखो कि लो लाइट के अंदर जो है मोटो ज्यादा बेटर कैप्चर करता हुआ मिलेगा। एज डिटेक्शन दोनों में ही ठीक ठाक सा आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बैक में जो HDR कंट्रोल है ये भी आप देखोगे कि यार मोटोरोला ज्यादा बेटर तरीके से कर पाता है। बाकी मोटो के अंदर आप देखो थोड़ी सी डिटेल ज्यादा बेटर लगती है लो लाइट के अंदर, इवन जो कॉन्ट्रास्टी ट्यून है यहाँ पे आपको सैमसंग के अंदर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपको मैं सीरियसली बताऊंगा यार मोटोरोला ने अपनी यार जो ट्यूनिंग है उसमें काफी बेटर वर्क करा हुआ है। इवन लो लाइट की बात हो गई या आउटडोर लाइटिंग में भी देखोगे HDR बेटर यहाँ पे मोटो में वर्क कर रहा है, इवन डिटेल्स काफी बेटर यहाँ पे निकाल रहा है, और ये थोड़ी सोशल मीडिया रेडी वाली इमेजेस है। आपको कौन सी पसंद है जरूर से यार कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यार जो सेल्फी कैमरा है वहां पर भी आपको कतई मस्त वाला डिफरेंस मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आपको मैं लो लाइट में भी दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे यार डिटेल्स वगैरह जो है मोटो काफी बेटर कैप्चर करता हुआ आपको मिलेगा, इवन वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को यहाँ पे ये कैप्चर कर पाता है। शार्पनेस वगैरह आप देखोगे ज्यादा बेटर आपको थोड़ी सी सैमसंग में मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल कलर्स वगैरह के साथ भी देखोगे तो आपको यहाँ पे यार मोटो की इमेज थोड़ी सी बेटर लगेगी, और जो डेप्थ है वो भी मोटो में ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। इवन HDR का जो मेंटेनेंस है वो भी आप यहाँ पे देखो यार मोटो काफी बेटर तरीके से कर लेता है। और सीरियसली यहाँ पे भी बताऊंगा वही जो सोशल मीडिया रेडी वाली इमेज टाइप है ना मोटो उस ट्यूनिंग के साथ काफी बेटर लगता है। ओवरऑल अगर बात करी जाए ना यार देखो सीरियसली मैं आपको बताऊंगा ना कि मोटोरोला के पास जो प्रोज है काफी ज्यादा निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग, जहां पे यार सैमसंग के पास सॉफ्टवेयर अपडेट और आपको बस डिस्प्ले मिलेगी, जहां पे मोटोरोला में बेटर आपको चार्जिंग मिल जाएगी, कैमरा भी आपको बेटर मिल जाएगा, आपको मस्त डिजाइन भी मिल जाएगा, और परफॉर्मेंस भी एकदम एक नंबर तगड़ी वाली यहाँ पे मिल जाएगी। ओवरऑल अगर आप 15,000 रुपए के बजट में देखोगे तो मुझे यार यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी लगा है एज कम्पेयर टू सैमसंग। बाकी आपका क्या कहना है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आई है भाई लाइक शेयर बिना किए कहीं भी मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।